हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के 31 अगस्त से। तो दोस्तों, इसमें आपको फर्स्ट शिफ्ट के भी और लास्ट शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट में दिया है तो ये मत कमेंट कीजिएगा, बाकी चलिए देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन था, स्वामी विवेकानंद जी ने अपना भाषण कहाँ पर दिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो ऑप्शन था उसमें से विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने शिकागो में दिया था। तो स्वामी जी ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में दिया था। तो एक और क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जो कि सिंस 31 अक्टूबर 2014 से। अगला क्वेश्चन था, करेरा अभयारण्य कब बना था? तो 1981 में बना था। ये शिवपुरी में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंग्लिश में कहते हैं इसे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर है अरविंद पनगरिया। और अभी करंट में देखा जाए तो राजीव कुमार जी हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, और इसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हमेशा रहते हैं। और ये 1 जनवरी 2015 में बना था, नीति आयोग का गठन हुआ था। हु इज़ द CEO ऑफ नीति आयोग? अगला क्वेश्चन ये था, तो अमिताभ कांत जी। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय झंडा डे कब बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय झंडा डे हर साल 7 दिसंबर को बनाया जाता है, सिंस 1949 के बाद से बनाया जाता है। क्वेश्चन था, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। विक्रम अवार्ड किससे रिलेटेड था? तो खेल से रिलेटेड, सीनियर प्लेयर को विक्रम अवार्ड मिलता है और जूनियर प्लेयर्स को एकलव्य अवार्ड मिलता है, 1 लाख के समथिंग प्राइज मनी होती है। कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में 1981 में। किसी स्टेट के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर होता है राष्ट्रपति। किसी स्टेट के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आ ही रहे हैं आप, ये सब न्यायालय को नियुक्त कौन करता है, न्यायाधीश कौन है अपने एमपी के, ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा ज़्यादा देखने हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, और नदियों से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, एनओजेन। तो मीथेन इसका आंसर था जो वहाँ पे आया हुआ था, तो बाकी गैस भी नाम चेंज करके पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो कोशिका की बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मा का नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण 1839 में J.A. पुंकिनजे ने किया था। तो और एक क्वेश्चन आया था अपने शुष्क शेल से संबंधित, एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ रहे हैं, बाकी अगर आप करंट और डेज से पढ़ लीजिए, अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन फिक्स है, आ ही रहे हैं आ रहे हैं, और नदियों से तो रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ने ही होंगे, जैसे नर्मदा नदी से रिलेटेड और जितने क्वेश्चन हो सके आप कवर कर लीजिए। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक तो करना बिल्कुल ना भूले, और दोस्त कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।